Panda. I got broads in Atlanta. Chips with the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। ये कल जो हम लोग आर्ट सप्लाइज़ की शॉप पे गए थे तो वहाँ से ये सारी चीज़ें लेकर आई थी, आप लोगों को आगे आने वाले व्लॉग्स में डिटेल में दिखाऊंगी। कि हल्की जो है ना वो बूंदाबांदी शुरू हो गई है तो मैं आप लोगों के साथ ऊपर चलती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। साथ में इधर जो है ना वो मेरा लस्सी का ग्लास ख़त्म हो गया और इधर जो है वो मेरे पैसे जो मैंने रखने थे वो अभी इधर ही पड़े हैं। तो पैसे देख के ना अच्छा बंदे का मूड पूरा बदल जाता है। छोटे होते हैं ना तो एहसास नहीं होता कि यार पैसों की क्या कीमत है, ये वो पता तब लगता है जब बंदा खुद जॉब करता है, तो तब लग पता जाता है कि माँ बाप जो है वो कितनी कितनी सेक्रीफाइसेस देते हैं, कितनी मेहनत वाला काम है पैसे कमाना। तो ये जॉब खुद जॉब करके पता चलता है, पेरेंट्स जब कर रहे होते हैं तब नहीं पता लगता। तब तो बंदा कहता है सारी चीज़ें ही ले लो, ये भी लेके दो वो भी लेके दो, और जब अपना टाइम आता है तो कोई अलग ही पर्सनैलिटी निकल के सामने आती है। स्पेशली मेरे साथ तो ये हुआ था, मैं इतनी कंजूस, मतलब मुझे मैं अपने आप से नई पर्सनैलिटी से मुखातिब हुई थी। अब्बू के पैसों से ये भी ले लो वो भी ले लो, ठीक है सारा कुछ ही ले लो और चैरिटी भी करो अब्बू के पैसों से, सब लोगों के साथ जो है ना वो भी अच्छे अच्छे रहना है, सबकी हेल्प भी करनी है। अपने ऊपर आता है तब बंदे का आप सही पता चलता है कितने आप सखी दिल हो, कितना क्या कर सकते हो। तो मैं अपने से जब मैंने खुद जॉब करना स्टार्ट की थी तो बिल्कुल मेरे अंदर दो चीज़ें हुई थी कि एक तो रियलाइजेशन हुई थी कि यार हमारे पेरेंट्स जो है हमारे लिए कितना कुछ करते हैं हमें बिना बताए, और वो पता नहीं जॉब जो है कितनी, मतलब इतना डिफ़िकल्ट होता है जॉब करना सीरियसली, कि आपकी आपको दूसरों की जो है वो मान के चलना, सब कुछ सबको साथ लेके चलना, और कब कोई कहाँ पे नाराज़ हो जाए आपको नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें बहुत कुछ सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है स्पेशली, और ये भी आपको पता लगता है कि आप सखी दिल हैं या कंजूस है। तो मुझे तो पता लगा था कि मैं थोड़ी अपने मामले में कंजूस हूँ, सेविंग ज़्यादा करती हूँ। ये हम ऊपर आ गए और इतना प्यारा हसीन और पता नहीं हसीनो जमील और एस्थेटिक और पता नहीं क्या क्या सारे अच्छे वर्ड्स लगा लें आप, वैसा वाला मौसम हो गया और मुझे सांस चढ़ गए। सीढ़ियाँ चढ़ने का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। ओह काले बादल आएंगे आके में बरसाएंगे, ये वो वाला मौसम हुआ है और बारिश हो भी रही है। भाई इस पे नया आ गया ना लुक, आ चुका है ये वाला। यार वाकई कैसे चल रहा है ना माशाल्लाह। बोले इसे तो बोल रहा था ऊपर जाओ बादल देखो चलते हुए। भाभी कुरकुरे नहीं होता, तुरतुरे तुरतुरे होता। लेकिन भाई यार ये 10 वाले नहीं है, ये 20 वाले हैं। 10 रुपये के तुरतुरे, चलो सबको ये तुरतुरे सबके मुंह में टिंग। में तुरतुरे खाओ और जिंदगी का मजा लो। भाई इनको वो सीरीज दिखाइए यार, वही जिसमें वो बनाता होता ड्रग्स, क्या नाम था उसका, मुझे नाम ही भूल गया यार, मेरी फेवरेट सीरीज का। हाँ ब्रेकिंग बैड, एग्जैक्टली वो। हाँ ये नहीं देखी, नहीं वो इतनी वो आपको अपने अंदर इंगेज कर लेती ना कि आपको होता अगला क्या हो रहा है अगला क्या हो रहा है। लेकिन लास्ट वाला मेरा भी रहता है, अभी नहीं देखा हुआ मैंने।
ये भाई ने ना यहाँ से उतारा है और भाई के दिमाग में खुराफाती आइडिया आ रहा है, क्या आ रहा है तू खा के दिखा, आफ मैं खाऊंगा। ओके ये खट्टा बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल नया नया। ओके काफी खट्टा है, बहुत ज्यादा खट्टा है। चलो ठीक है खा के दिखा दे। इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, आपके ज्यादा सामने तो सही खा रही है, ये मजेदार है। हाँ ये तो अच्छा है, नहीं आई अच्छा है, मजे का था, बहुत मजे का था। छोटा सा छिलकों के साथ खा लो, क्यों हाँ तो मैं छिलके के साथ देते हैं, क्या पता वैसे दो दो ये भाभी को दो, कड़वा नहीं लगा वैसे। और इसके क्लोथ उतारते हुए ये बस उतर गया। भाई किसी दिन मैंने आपका ना हाथ का पकड़ के वो भी दिखाना है कि वैक्स करके फिर आओ। लो लड़की के हाथ में क्या पता लगता है, लड़की के हाथ में सही पता लगता है कि कौन सी वैक्स ज्यादा अच्छी थी। इंसानों की तरह तो हम सोचते भी नहीं। चलो जी अब भाभी की बारी, चलो खाओ खा लो वो कम वाला दे, मजे का है। पर मेरे वाला तो मुझे बहुत मजे का लगा, लेकिन अभी हम तोड़ नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं। वो वहाँ पे देखो यार कितना प्यारा वहाँ से लग रहा है ना भाई, हाँ मस्जिद का तो बहुत प्यारा था, लेकिन यहाँ से भी अच्छा आ रहा है। बादल मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे बादल, लेकिन बरस नहीं रहे बरसे एक दफा ताकि टेंशन खत्म हो जाए। अच्छा जी मैं बता दूं कि वाई आई बॉट दीज फ्रेम्स, वन इज़ फॉर एक्चुअली मेहंदी के, मुझे मेहंदी के जो डिज़ाइन है ना वो अब ज़्यादा, वैसे मुझे मेहंदी लगाना आती है, लेकिन ये है कि अभी मैं सोच रही हूँ कि उसको एडवांस लेवल पे स्टार्ट करूँ, कि ज़्यादा सीखने की ट्राई करूँ, अपनी जो है ना वो फास्ट करूँ, स्पीड फास्ट करूँ। हाँ क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ी स्लो हूँ, थोड़ी नहीं वैसे काफ़ी स्लो हूँ, फिर उसके बाद मैं थक जाती हूँ, तो मैं चाहती थी कि मैं वो करूँ। फिर दूसरा वाला जो फ्रेम है वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पैलेट जो है वो मिरर पैलेट चाहिए था, जो कि नहीं मिल रहा था पेंटिंग वाली शॉप पे, जो है आर्ट सप्लाइज़ की जो शॉप है वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने फ्रेम्स दोनों ले लिए थे और फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें से जो मिरर हैं वो निकाल लूँगी और अपने यूज़ जो मुझे यूज़ जिस काम के लिए करना है उसके लिए कर लूँगी, और फिर उसके बाद जो है ये फ्रेम को दोबारा से जो है इनके अंदर कुछ ना कुछ पिक्चर लगा के या मे बी पेंटिंग लगा के ना वो भी यूज़ में आ जाएगा, तो मेरा मिरर भी मुझे मिल जाएंगे, जो फ्रेम है वो भी कहीं ना कहीं यूज़ में आ ही जाएंगे। तो बस ये वाली चीज़ थी। चलें जी ये भी बता दिया मैंने आज, और मैं साथ में पानी पी रही थी एक्चुअली। लियो आपको कुछ कहना है इस बात पे, कुछ कहना है, ये सही डिसीजन था, बोल दो। आज हम लोगों ने लियो को अच्छे से इसके हेयर ब्रश किया, बहुत सारे बॉल्स बने हुए थे, इसके हेयर बॉल्स बने हुए थे, और अब कल शॉवर लेगा प्यारा प्यारा बच्चा, बोलो जी। ये सुबह के टाइम पे मैं अपने लिए जो है वो शहद का पानी बना के जो बैठना होता है वही कर रही थी, मैं शहद वाला पानी जो है वो बना रही थी, और उसके बाद जो है मैंने जो है वो पराठा और गोभी इसके साथ जो है वो किया था, अपना नाश्ता किया था। आज का मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो ये है, पराठा खाने का दिल हो रहा था और साथ में गोभी बनी हुई है तो वो खाऊंगी बस अभी।
ये थी जी मेरी आज की रूटीन। और आजकल जो है वो यही सब चल रहा है, बस नॉर्मली खाना खाया, काम किया जाकर, क्योंकि आर्ट वगैरह का आजकल कुछ कर रही हूँ तो वो रूम में जाके उसकी चीज़ों को देखना होता है, और बस इसी तरीके से चल रहा है। बाकी न्यूज़ जो है वो देख ली, न्यूज़ जो है वो तो देख के इतना डिप्रेशन होता है जिसकी कोई हद नहीं है। कभी जी ये हो गया, वो हो गया, और कत्लो गारत, बहुत अजीब सा होता है यार दिल। लेकिन अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और अल्लाह सब पे अपना रहम रखे। इसी के साथ जो है ये वाले व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।